पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पुलिस अध्यक्ष छठ घाट पर पहुंच सुख शांति एवं अमन चैन की किए कामना। कुर्थरवल स्थानीय ब्लॉक परिसर में बने सूर्य मंदिर के समीप तालाब स्थित छठ घाट पर पुलिस अध्यक्ष हिमांशु शंकर त्रिवेदी पहुंच लोगों के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अमन चैन शांति माहौल कायम रहे ताकि लोग अमन चैन की जिंदगी जी सके। वहीं कमेटी के लोगों ने एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी को सौल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उनकी पत्नी एवं बच्चे भी मौजूद थे। वहीं पूजा कमेटी के लोगों को इस तरह के भव्य कार्यक्रम से काफी खुश दिखे। वहीं भगवान सूर्य गेट आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान भगवान सूर्य की प्रतिमा को पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब भी छठ घाटों का भी भगवान सूर्य का प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बना रहा। यह पूजा अर्चना विगत कई वर्षों से भगवान सूर्य को तालाब में छठ घाटों पर भगवान सूर्य देव को अग्र देने के बाद सभी छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य का पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। वही पूजा में सक्रिय भूमिका निभा रहे अशोक चौरसिया, अशोक कुमार समेत आदि ने बताया कि भारत में सालों भर अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें दो बातें खास हैं। इसमें हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। अगर सूर्य से रोशनी नहीं मिले तो कोई पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। प्रकाश न मिलने से धरती अत्यंत ठंडी हो जाएगी। इस तरह से सूर्य का हमारे जीवन में महत्व काफी ज्यादा है। हिंदू धर्म में अनेकों मौकों पर पूजा पाठ होता है, इनमें पंडितों की जरूरत पड़ती है, लेकिन छठ पूजा ही एक ऐसी पूजा है जिसको करने के लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं होती। छठ करने वाला कोई भी व्यक्ति खुद ही यह पूजा कर सकता है, बिना किसी कर्मकांड के इसे किया जाता है। इस तरह से भगवान व उसके भक्त के बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। हम इसे करते हुए प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर छठ घाटों पर काफी भीड़ देखी गई। इसमें सभी समुदाय के लोगों ने छठ पूजा को देखने के लिए छठ घाटों पर पहुंचे थे। खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी छठ पूजा को देखने के लिए पहुंचे थे।